एक कहावत है, जब उम्मीद बहुत बड़ी हो और प्रयास भी उसी स्तर का हो तो गरीबी और पिछड़ापन कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि लगन के आगे सफलता इंतजार करती है। और कहावत पुरानी है, ये कहावत बहुत पुरानी है, बेहद सामान्य पाने वाले के बेटे आशुतोष प्रसाद पर सटीक बैठती है। बेहद गरीब परिवार के आशुतोष गांव से ही पढ़े लिखे और पॉलिटेक्निक करने के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से बीए ऑनर्स करने के बाद पीसीएस की परीक्षा दी। पहली ही बार में यूपी पीसीएस की परीक्षा पास करके गांव का नाम रोशन कर दिया। इनके पिता गांव में पान लगाते थे, लेकिन उसके बाद भी जब परिवार और घर का खर्चा पूरा नहीं हुआ तो वो आज घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड की प्राइवेट नौकरी करते हैं। आशुतोष ने बातचीत के दौरान बताया कि पिता ने गरीबी और अभाव के बावजूद कभी पढ़ाई में कमी नहीं आने दी और उसी का नतीजा है कि आज वो पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर सके, लेकिन उनका अगला लक्ष्य आईएएस बनना है। आशुतोष ने बताया कि पढ़ाई के दौरान बहुत लोगों ने टोका था कि पढ़ाई में पैसा बर्बाद मत करो, लेकिन मैं नहीं रुका और अपने लक्ष्य की तरफ प्रयास करता रहा। आशुतोष ने बताया कि वो गांव के बच्चों को भी पढ़ाते हैं और शिक्षा के प्रति जागरूक भी करते हैं। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण क्षेत्र से अर्जित करने के बाद बीएचयू में एडमिशन लिया और बीए हिस्ट्री ऑनर से कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हुए 2018 की परीक्षा में प्रथम प्रयास में सफल हुआ और मुझे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का पद प्राप्त हुआ है। और आपके क्या शौक है? और मेरा बेसिकली यह शौक है कि जो छोटे बच्चे हैं वो उनको मैं शिक्षित करता हूँ, बताता हूँ, प्रेरित करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि लोग जो छोटे बच्चे हैं या मेरे साथी हैं वो भी पढ़ें और इस सिविल सेवा की तरफ आगे आएं और सफल हों। लक्ष्य क्या है आशुतोष? लक्ष्य ये है सर कि मैं यूपीएससी को क्रैक करूं और आईएएस के रूप में सफल होकर समाज का गौरव ऊंचा करूं। आशुतोष जी, अगर देखा जाए चूँकि ग्रामीण अंचल से हैं तो क्या कठिनाइयां आपको अब तक समझ में आई और बीएचयू तक आप पहुँचे? सबसे पहली बात कि सर ये जो संसाधनों का एक अभाव रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, जो शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उतनी उचित नहीं है जितनी कि शहरों में मिल जाती है, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था हमारे लिए संसाधनों का अभाव रहा। लेकिन और जो गाइडेंस एक है, गाइडेंस का भी अभाव काफ़ी देखने को मिलता है। बेहद गरीब और सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने पीसीएस परीक्षा पास कर अपने गांव और परिवार का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही उन लोगों को भी प्रेरणा दी है जो सामाजिक रोक टोक के बारे में सोच कर अपने भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।